तो ये गांव वालों का प्यार है, सब लोग आ गए हैं बधाई देने, तो हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है सर। कौन सी रैंक आई है आपकी? PCS में 9th रैंक है सर। पासपोर्ट मुझे बनवाना था, तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन में लोग भोपाल में पैसे मांग रहे थे, तो मैंने मना कर दिया कि आपको जितना देर करना हो कर सके, तो अंत में मेरा काम हो गया। तो यदि पब्लिक मतलब करप्शन का साथ नहीं देगी तो धीरे धीरे करप्शन सर कम ही होगा। सर अपने माता पिता को, ताऊ जी को और अपने टीचर्स को देता हूँ श्रेय। मेन मेरे भाई हैं, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं, सभी भाई हैं खड़े हुए हैं। सुना है मैंने सभी से कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है, तो सर उससे डील करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपने कर्तव्य ड्यूटीज़ क्या हैं वो पता होनी चाहिए अच्छे से, ताकि अगर कुछ गलत काम है उसको आप मना कर सकें। UPPCS का रिजल्ट आया है, जिसमें जो टॉप 10 है उसमें लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले अमित सिंह का नाम है। अमित सिंह की 9वीं रैंक आई है, ये SDM हो गए हैं। इनके घर पर आप देख सकते हैं बैंड बाजे के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। जो इनके साथी हैं अमित सिंह के, वो यहाँ पर झूम गा रहे हैं और अमित सिंह को लोग बधाई देने वालों का यहाँ पर आप देख सकते हैं ताता लगा हुआ है। लोग झूम रहे हैं, अमित को बधाई दे रहे हैं, अमित के परिवार से लोग मिलने आए हैं अमित की इस कामयाबी के लिए। अमित को लोग बधाई देने पहुँचे हमारे साथ बात करने के लिए। अमित हैं, अमित से हम बात करेंगे कि अमित ने जो तैयारी की है, अमित किस तरह से SDM बने हैं। अमित जी स्वागत है आपका यूपी तक की ओर से, किस तरह से आज आपको लोग बधाई देने आ रहे हैं? थैंक यू सर। सर सर गांव वालों का प्यार है, सब लोग आ गए हैं बधाई देने, तो हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है सर। कौन सी रैंक आई है आपकी सर? PCS में 9th रैंक है सर। क्या उम्मीद है, कहाँ से पढ़ाई की आपने अभी तक, कैसे स्ट्रगल किया, कितनी स्ट्रगल के बाद आज आप यहाँ पहुँचे हैं? सर हमारे केस में जितना स्ट्रगल था वो हमारे ताऊ जी और पिताजी ने कर लिया था, तो हम लोग को स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ा। लेकिन सर वही पढ़ाई का बात करें तो 10th मैंने सर लखनऊ पब्लिक स्कूल से किया है 10th और 12th। उसके बाद सर बैचलर ऑफ साइंस मास्टर ऑफ साइंस मैंने किया है आईसर भोपाल से सर। उसके बाद सर 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। कितना चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए जो SDM का पद है, जहाँ भी आपकी तैनाती होगी, क्या लगता है, चूँकि आप देखते रहे हैं सिस्टम को, क्या लगता है किस तरह से आपको निपटना पड़ सकता है आने वाले समय में? सर काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग की जो नॉलेज है वो बुकिश नॉलेज ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम। तो जो आप जैसे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे सहयोग लेंगे कि कैसे सिस्टम को समझें पहले, फिर बेहतर से बेहतर लोगों के लिए काम कर सकें। सर क्या लगता है किस तरह के चेंजेस लाने की ज़रूरत है जो आज ब्यूरोक्रेसी में आपको देखने को मिलते हैं, चूँकि आपने पढ़ाई भी की होगी, इस दौरान कई समस्याएं भी आई हों, कोई समस्या कोई ऐसी आई कोई भी, कोई आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना हो या कोई नौकरी में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगा हो कि जो आपने वो समस्या झेली हो वो आगे आने वाली जनरेशन को झेली, कोई ऐसी थी? जी सर पासपोर्ट मुझे बनवाना था, तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन में लोग भोपाल में पैसे मांग रहे थे, तो मैंने मना कर दिया कि आपको जितना देर करना हो कर सके, तो अंत में मेरा काम हो गया। तो यदि पब्लिक मतलब करप्शन का साथ नहीं देगी तो धीरे धीरे करप्शन सर कम ही होगा। तो इस तरह जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं होगा तब तक ब्यूरोक्रेसी सर क्लीन नहीं हो पाएगी। तो लगता है कि करप्शन एक चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? एक चैलेंजिंग मुद्दा है, लेकिन सर अगर आप अपनी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बरकरार रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से सर। किसको श्रेय देते हैं पूरा इस कामयाबी के पीछे? सर अपने माता पिता को, ताऊ जी को और अपने टीचर्स को देता हूँ श्रेय। मेन मेरे भाई हैं, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं, सभी भाई हैं खड़े हुए हैं, और बाकी सर सभी गांव वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ आपके गांव के लोग, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, आपको बधाई देने आ रहे हैं, वो भी कुछ आपसे सीख लेना चाहेंगे, वो अपने बच्चों को भी आगे मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे। क्या मैसेज देंगे जो आगे आने वाली जनरेशन है, गाँव बाहर जो भी आपको सुन रहा है उसको क्या मैसेज देंगे उन लोगों को? सर जो भी आप मतलब कोई एक कार्य करें तो उसमें मतलब पूरा एफर्ट अपना दें, आधे मन से कोई कार्य करेंगे तो पूरा नहीं होगा, और वही काम करें जो आपका मन है। तो यही सर मैसेज रहेगा सभी लोगों को। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अब आप SDM हो गए हैं, जब आपकी तैनाती होगी तो वहाँ पर कई बार समस्याएं आती हैं, लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, तो इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लेकर क्या सोचते, कुछ कभी आया मन में आपके? सर अभी तो मतलब इसको महसूस नहीं किया, पर ये सुना है मैंने सभी से कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है, तो सर उससे डील करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपने कर्तव्य ड्यूटीज़ क्या हैं वो पता होनी चाहिए अच्छे से, ताकि अगर कुछ गलत काम है उसको आप मना कर सकें। बाकी सर सहयोग लेना होगा सीनियर्स का, उसी से आएगा। ये थे हमारे साथ अमित सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी समस्याएँ आएंगी, कई बार भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार को उनको दूर करना होगा, राजनीतिक दखलंदाजी है उसको भी दूर करने का काम अमित सिंह एक SDM के पद के बाद करेंगे। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, UP तक।